यानी पूरे विश्व में धर्म की स्थापना होने जा रही है, धर्म की पुनर्स्थापना होने जा रही है। अयोध्या में 22 जनवरी को भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने के लिए शुक्रवार सुबह विभिन्न अखाड़ों से जुड़े साधु संतों महात्माओं ने जय महाकाल और जय श्री राम के उद्घोष के साथ चौपहिया वाहनों से रवाना हुए। इसके पहले सभी संत महात्माओं ने गर्भगृह में जाकर भगवान महाकाल के दर्शन पूजन किया। भगवान श्री महाकाल की नगरी से विभिन्न अखाड़ों के संत महात्मा का दल शुक्रवार को सुबह श्री महाकालेश्वर मंदिर पहुँचा था। यहाँ पर मंदिर के गर्भगृह में जाकर भगवान महाकाल का सभी संतों ने पूजन अभिषेक किया। इसके बाद श्री महाकालेश्वर मंदिर परिसर स्थित श्री पंचायती महानिर्वाड़ी अखाड़े में सभी साधु संतों का पुष्पमाला पहनाकर लाल बाबा ने स्वागत किया। जय श्री राम, जय महाकाल। अयोध्या ने पूरे विश्व में धर्म की स्थापना होने जा रही है, धर्म की पुनर्स्थापना होने जा रही है, क्योंकि बरसों से 500 साल का जो संघर्ष का समय रहा है सनातनियों का, वो अब पूर्ण होने जा रहा है। हमारा स्वप्न, हजारों लोगों ने, लाखों लोगों ने इसके लिए बलिदान दिया है। भगवान की वनवास से वापसी हो रही है, तो पूरे देश में हर्षोल्लास है। और महाकाल मंदिर से आज सभी साधु संतों ने उज्जैन के ने प्रस्थान का संकल्प लिया और सबसे एक साथ होकर एकजुट होकर जय महाकाल बोलकर, जय श्री राम बोलकर निकल रहे हैं। भगवान से ये प्रार्थना है कि सब मंगलमय हो और धर्म की स्थापना पूरे भारत में सनातनियों की विजय हो। इस अवसर पर महामंडलेश्वर अतुलेशानंद सरस्वती महाराज आचार्य शेखर ने कहा कि 500 साल के युद्ध के बाद लाखों सनातनियों ने संघर्ष कर अपना बलिदान दिया है। आज राम जी का मंदिर बनने जा रहा है, भगवान राम विराजित होंगे। पूरे देश में हर्षोल्लास से दीपावली की तरह मनाया जा रहा है। उज्जैन से सभी साधु संत अयोध्या के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। आज भगवान महाकाल से प्रार्थना की है कि पूरा भारत सनातनी हो, पूरा विश्व सनातनी हो और राम राज्य पूरे विश्व में व्याप्त हो। बता दें, शुक्रवार को सुबह अयोध्या प्रस्थान करने वाले संत महात्माओं में महानिर्वाणी अखाड़ा के महंत विनीत गिरी महाराज, महामंडलेश्वर अतुलेशानंद सरस्वती महाराज, आचार्य शेखर, आनंद चेतन दास महाराज, बालयोगी उमेश नाथ महाराज, पीर योगी भर्तृहरि गुफा के गादीपति रामनाथ महाराज, राधे राधे महाराज सहित अन्य संत शामिल हैं। सभी संत महात्मा 5 चौपहिया वाहनों से अयोध्या पहुंचेंगे। उज्जैन से हमारे रिपोर्टर नीलेश मालवी की रिपोर्ट। बने रहें द खबरदार न्यूज के साथ।